कि तुम तो जाल बिछा के एक साल से नींद नहीं खुला था, 7 महीने का बच्चा पेट में आ गया, नींद नहीं खुला था, अब तुमको समझ में आ रहा है कि मेरी बेटी क्या थी उस लड़के की। बदतमीज औरत कहीं। हम कानूनन बात कर रहे हैं, आप यहाँ लव स्टोरी, भागा भागी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। माँ तो पैसा खाली होगी सामने वाले से कि ठीक है हम अपनी बेटी के खिलाफ बोले, वो देखिए किस टाइप की माँ है। बिल्कुल, हाँ, एक माँ अपनी बेटी के खिलाफ बोल रही है। भैया तुम लोग कहे हमको गलत सवाल में फंसा रहे हो यार, हमको नहीं देना इन सब चीजों का जवाब। सूरज की हत्या हुई है, हमें हत्यारे चाहिए बस, इससे ज्यादा महिला विकास मंच को कुछ नहीं चाहिए। एक नौजवान लड़का मर जाता है और आप लोग चले डॉक्यूमेंट्स खंगाल ले। मैंने मान लिया, उसकी माँ ने बोला ना कि रखेल थी ये क्या थी, इस तरह का वर्ड तो एक माँ अपनी बेटी के लिए बोल रही है, वो कितनी कलंकित माँ होगी, क्या संस्कार दी अपने बच्चों को कि तुम्हारी बेटी जाके इस तरह का काम करने लगी। अब अंजलि ने किससे अफेयर किया, उसकी पत्नी का क्या मामला था, माँ आ जाए, फुआ आ जाए, भतीजी आ जाए, लड़का सूरज कैसे आएगा ये बताए। उसकी पत्नी को आके बैठ के बोलना चाहिए ना, मेरे पति के हत्यारों को सजा दीजिए, मेरा पति मर गया, उसका भी इमोशन खत्म हो गया, उसका पति भी बोल रही है और इमोशन भी नहीं है, सुहाग उजड़ गया, इमोशन भी नहीं है। थाना जाके थाना प्रभारी से और केस के आईओ से स्पष्ट रूप से बात करने वाला सिर्फ महिला विकास मंच ही था, बाकी लोग अपना राजनीति करने गए होंगे तो गए होंगे। क्या बात करते हो यार, कुछ भी सवाल लेके चले जाता है, ऐसा सवाल लेके मत आइएगा हमारे पास दोबारा। माँ क्या बोली, भाभी क्या बोली, भैया क्या बोला, उससे हमको क्या मतलब है। मैडम आप छपड़ा अंजलि सूरज कांड जो प्रकरण चल रहा उसमें आप गई थी और अब अंजलि के माँ का बयान आया, जैसा कि आप गई थी वहाँ पे बहुत सारा चीज आपने देखा और अब अंजलि की माँ कह रही है कि वो गांव का ही मेरा एक ही फैमिली है और वो भतीजा है, भतीजा लगता था, फुआ के साथ भाग गई, दोनों गलत थे, गांव के लड़कों के नजर में जो है अब हम लोग का रिश्ता भी तार तार हुआ इसके कारण। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है माँ जो बोल रही है, माँ की बात तो सर्वोपरि, माँ से बड़ा कोई नहीं, हमें उस मुद्दे पे बात ही नहीं करना है, अंजलि सही थी या गलत थी, उसकी पहली पत्नी का क्या थी, कौन किससे अफेयर किया, इन सब पचोड़ में पड़ना ही नहीं है। भाई एक हत्या हुई है, हत्यारे को सजा देनी है। हम कानूनन बात कर रहे हैं, आप यहाँ लव स्टोरी, भागा भागी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। माँ तो पैसा खाली होगी सामने वाले से कि ठीक है हम अपनी बेटी के खिलाफ बोले, वो देखिए किस टाइप की माँ है। बिल्कुल, हाँ, एक माँ अपनी बेटी के खिलाफ बोल रही है तो आप समझ रहे हैं ये मामला टोटल मैनेज में जाएगा। मैं फर्स्ट डे भी गई थी थाने में तो मैंने यही बोला था, ये पूरा मामला मैनेज होगा, बहुत खूबसूरत तरीके से मैनेज होगा, करोड़ों में मैनेज होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, हत्यारे बाहर घूमेंगे और फिर कोई सूरज मरेगा इसी तरह। मतलब उनकी माँ बोल रही है कि वो रखेल है सूरज की। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अरे ठीक है, अरे नहीं नहीं भाई सुनो, प्रियंका हुई भैया सुनो, मैंने मान लिया, उसकी माँ ने बोला ना कि रखेल थी ये क्या थी, इस तरह का वर्ड तो एक माँ अपनी बेटी के लिए बोल रही है, वो कितनी कलंकित माँ होगी, क्या संस्कार दी अपने बच्चों को कि तुम्हारी बेटी जाके इस तरह का काम करने लगी, तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं था अपनी बेटी को पालने का, हमारी बेटी संस्कार पूर्ण कैसे बने इस पे ध्यान नहीं देना था माँ को, माँ जाके बेटी को गंदा रास्ता दिखाती है और उसके बाद बोलती है मेरी बेटी गंदी है, हम तो वो वर्ड मुंह से निकल गया, नहीं बोल सकते हैं इतना गंदा शब्द माँ बोल रही है अपनी बेटी के लिए, तो माँ क्या होगी ये बताइए। एक औरत ही अपने, जब माँ ही बेटी का साथ नहीं दे रही है तो बाकी महिला महिला के साथ कैसे देगी समाज में। रही बात कौन सही था कौन गलत था, हमें इस पचड़े में भैया नहीं पड़ना, महिला विकास मंच हमेशा मुद्दे की बात करती है, सूरज की हत्या हुई है और ये जग जाहिर है, बीच बाजार में, बीच रोड पे हत्या हुई है, हमें हत्यारे को सजा दिलवानी है, हम कानून से यही डिमांड कर रहे हैं। अब अंजलि ने किससे अफेयर किया, उसकी पत्नी का क्या मामला था, माँ आ जाए, फुआ आ जाए, भतीजी आ जाए, लड़का सूरज कैसे आएगा ये बताइए। लेकिन इंसाफ तो चाहिए सूरज की पहली पत्नी को ना, अरे पत्नी ने सूरज को चाहिए जिसकी मौत हुई है ना उसके लिए, अगर सुनिए सूरज तो मर गया, यही यही आगे सूरज ना हो इसलिए सूरज के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, उसकी पत्नी को आगे बैठ के बोलना चाहिए ना मेरे पति के हत्यारों को सजा दीजिए, मेरा पति मर गया, उसका भी इमोशन खत्म हो गया, उसका पति भी बोल रही है और इमोशन भी नहीं है, सुहाग उजड़ गया, इमोशन भी नहीं है, तो हो सकता है तुम ही मरवाई हो गेम करके अपने पति को, ये भी तो हो सकता है। लगातार क्यों होती है इतनी हत्या, क्यों होता है इतना कांड, यही वजह होता है कि जो मर जाता है उसके बाद जो लड़की होती है इधर उसको कल्प्रिट बना के पूरा लीपा पोती होती है, बस जो हत्यारा है वो बच गया बस, भाई नेक्स्ट जो जिसको करना होगा वो एक और हत्या करेगा, देखा कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बराबर। अंजलि की माँ को भी अरेस्ट कीजिए, देखिए अब महिला विकास में से न्याय की बात कीजिएगा ना, कानूनन अगर बात कीजिएगा, अंजलि कल्प्रिट है आप लोगों के नजर में, समाज के नजर में, कि वो गलत एक शादीशुदा पति के साथ शादी की,
अंजलि के साथ। अंजलि को ऐसा संस्कार देने वाले माँ कल्प्रिट है। अगर तुम्हारी बेटी भागी तो तुमने जाके क्यों नहीं एक साल से अपनी बेटी की खोज खबर ली। उसकी माँ को जेल कीजिए, साथ ही साथ उसके तुम अपनी बेटी को, हम ये क्यों नहीं कह सकते हैं तुम अपनी बेटी को फंसा दी एक लड़के के चक्कर में। हम उसकी माँ पे क्लेम करते हैं कि तुम तो जाल बिछा के एक साल से नींद नहीं खुला था, 7 महीने का बच्चा पेट में आ गया, नींद नहीं खुला था, अब तुमको समझ में आ रहा है कि मेरी बेटी क्या थी उस लड़के की। हाँ, बदतमीज औरत कहीं की। लेकिन शशिकांत हो गया चाहे उनके भाई जो रवि है, उन लोगों से ये चीज डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है कि सूरज और अंजलि जो नागपुर में शादी किए थे, आपसे भी बताई होगी, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं ना FIR। भैया तुम लोग काहे हमको गलत सवाल में फंसा रहे हो यार, हमको नहीं देना इन सब चीजों का जवाब। सूरज की हत्या हुई है, हमें हत्यारे चाहिए बस, इससे ज्यादा महिला विकास मंच को कुछ नहीं चाहिए। एक नौजवान लड़का मर जाता है और आप लोग चले डॉक्यूमेंट्स खंगाल लें, अफेयर खंगाल लें, रिश्ते खंगाल लें, यही रह गया हमारा समाज। पहला इंसान था ये, पूरी धरती का पहला इंसान था जो पहली पत्नी के होते हुए 50 पत्नियां रखा था। सूरज के मैम, सूरज के सूरज के जाने में, सूरज के जाने में किसका हाथ है आपके हिसाब से? वो गया तो किसी कारण से ना, चश्मदीद गवाह वहाँ खड़े हैं, गवाह जब आंख से देख रहा है। लेकिन कारण तो अंजलि ही है ना, बस डालो ने जेल। अरे भाई मैंने कब कहा कि कारण को जेल मत डालो, अंजलि को भी जेल डालो, तुम्हें कारण मरा। अच्छा, अंजलि के चलते दो परिवार में लड़ाई होता है, बेचारे सूरज का हत्या हो जाता है, तो ऐसे ऐसे लड़कियां कर रहे समाज में आके कर रही लगता कुछ नहीं कही। अभी अभी हम सूरज के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम सूरज के लिए कहेंगे, हम क्यों अपने मुद्दे से भटके। अंजलि अगर कल्प्रिट है डालिए, अंजलि के कारण मौत हुई अंजलि को भी अंदर डालिए, उसकी माँ ने जाल बिछाया होगा अंजलि को आगे बढ़ा के जाओ अच्छा परिवार है फंसाओ, तो उसकी माँ को भी जेल में डालिए। जब जांच चलेगी तो सब जाएंगे जेल में। Why only criminals? जो मर्डर किए, मर्डर के पीछे षड्यंत्र किसका किसका था, सबको जेल डालिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष। दो परिवार आपस में लड़के आज बर्बाद हो रहे हैं, एक अंजलि के चलते। एक बच्चा से लड़का गया है उसका देखना चाहिए, तो उसके उसी का बात हो रहा है, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। दो दिन पहले एक यूट्यूबर भाई को मैंने देखा, गए उनकी पत्नी का, पहली पत्नी का खोज करने। कहाँ जा रहे हो भैया, मर्डर हुआ है, हमें सजा चाहिए, बस हत्यारे को पकड़ो। किसी के निजी जीवन में ताक झांक करने का बड़ा शौक पड़ा है लोगों को आजकल, हत्या का कारण जानो, हत्यारे को पकड़ो, यही तो मुद्दा है। ये तो हो गया कि हत्यारा को पकड़ा जाएगा, लेकिन इसमें करना क्या, कारण भी स्पष्ट है। आप जेल डाल सजा दीजिए ना उसको, हम डाल सकते हैं पुलिस प्रशासन करे नहीं बोल रही है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है बिना भाई यादव जी पहुँच गए, वहाँ के सांसद जो है सिग्रीवाल फिर भी पुलिस प्रशासन आखिर क्यों नहीं, कितनों लोग भी पहुंचे होंगे वहाँ, लेकिन थाना जाके थाना प्रभारी से और केस के आईओ से स्पष्ट रूप से बात करने वाला सिर्फ महिला विकास मंच ही था। बाकी लोग अपना राजनीति करने गए होंगे तो गए होंगे। थाना में एक प्रभारी को इस तरह पूछना कि सर आप डर गए हैं या बिक गए हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या हद तक किसी को बेइज्जत कर सकते हैं बताइए। हम SP से बात किए, आपने देखा होगा मेरा वीडियोस, मैंने SP से बात किया, मैं थाना प्रभारी से बात की, सर इस केस में क्या हो रहा है, अब उनको भाई रिपोर्ट जमा कीजिए, इंक्वायरी क्या किए वो जमा कीजिए। हम अपना सवाल प्रशासन से पूछेंगे, हमें समाज से पूछने की जरूरत नहीं है। एक हत्या हुई है, उस हत्या का क्या हुआ वो जानना चाहते हैं, उस हत्या में जितने लोग लिप्त हैं, चाहे अंजलि हो, अंजलि की माँ हो, अंजलि का भाई हो, जो हो, सबको डालिए अंदर उठा के, हम किसी का पक्ष थोड़ी ले रहे हैं। इसी तरह से इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हत्या हुई, कल एक और हत्या हो जाएगी फिर, अगर हम हत्यारे को नहीं डाले तो। अफेयर करना आए दिन आप लोग बैठे रहते हैं, जैसा कि उनके परिवार के तरफ से कहना है कि अब जो है अंजलि को भी नहीं छोड़ा जाएगा। भाई अंजलि तो प्रशासन इसी चीज का वेट कर रहा है कि आप लोग आपस में ही मर लो कट लो, सूरज मरा है बदला मौत के बदला मौत ले लो, ये तो हम सुन ही रहे हैं इतने दिन से, और प्रशासन यही चाह रही है कि किसी तरह अंजलि पे अटैक करके उसकी मौत हो जाए, ताकि अंजलि दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाए। तो बढ़ावा हमारा लॉ एंड ऑर्डर ना दे रहा है, हम लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के चले दिल का तार बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है क्या किसी को आप लोगों को? क्या बात करते हो यार, कुछ भी सवाल लेके चले जाता है, ऐसा सवाल लेके मत आइएगा हमारे पास दोबारा। माँ क्या बोली, भाभी क्या बोली, भैया क्या बोला, उससे हमको क्या मतलब है, कौन क्या बोला, मौत हुई है हत्यारा गया है उस पर बात कीजिए ना।